जिन धर्म जिन आगम जिन मंदिर पवित्र धाम वीद राग की प्रतिमा को कोटि कोटि प्रणाम। मुनि सुव्रत भगवान की महिमा अपरंपार, डूबती नैया कर दो रे भव पार। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जहाजपुर तीर्थ का पूरा टूर करेंगे और आपको सारी सुविधाओं के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो आइए चलिए चलते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विश टू एक्सप्लोर। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ और आज हम जा रहे हैं जहाजपुर जैन मंदिर, जो कि भीलवाड़ा क्षेत्र में है और बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। सो इसका मैं आपको कंप्लीट टूर देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिएगा और देखिएगा पूरी जर्नी, क्योंकि हम जयपुर से ट्रैवल कर रहे हैं एक प्राइवेट बस के अंदर जिसमें मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स भी हैं। सो आइए चलिए चलते हैं। महावीर भगवान की गाइस देखिए कितना खूबसूरत गेट है। अब हम आ चुके हैं और ये रही हमारी बस। सो गाइस ये देखिए, ये है अंदर का नज़ारा। अंदर घुसते ही यहाँ पे आपको दिखेगा खूबसूरत मंदिर जी, और यहाँ पे है स्वस्तिम धाम का मुख्य कार्यालय, जहाँ पे आप सारी की सारी चीज़ें, कोई भी क्वेरीज वगैरह हैं यहाँ से पूछ सकते हैं। भोजनशाला हो गया चाहे धर्मशाला हो गया, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे क्वेरी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। और ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर, वाह। यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी भी पूरी दे रखी है, सो आपको कोई चैलेंज नहीं आने वाला। ये देखिए कितना खूबसूरत, वाह। सो अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं मंदिर जी कैसा है और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे आगे अगर तो ये पार्किंग एरिया ही है सारा, और यहाँ पे अगर आप आगे जाते हो तो यहाँ पे ड्राइवर विश्राम गृह भी बना हुआ है। सो यहाँ पे अगर आपके साथ कोई ड्राइवर आ रहा है तो वो यहाँ पे आके रेस्ट कर सकता है। प्रॉपर फैसिलिटी दे रखी है, बहुत साफ़ सफाई, बहुत ही साफ़ सुथरी जगह लगी मुझे तो अभी तक, पहला एक्सपीरियंस यही कहता है। इधर सुविधाएँ हैं और उस तरफ है, फैसिलिटीज़ वगैरह सारी प्रोवाइडेड की गई हैं यहाँ पे। सो चलिए अब दर्शन करते हैं, चलते हैं अंदर। यहाँ से ये पूरा प्रक्षाल स्नान घर, और ये है खूबसूरत मंदिर जहाजपुर का। ये देखिए, ये देखिए कितनी खूबसूरत एंट्री है यहाँ से। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। सो मंदिर है जो सामने हैं हमारे, चंदन बाला भवन, आदिनाथ जिनालय, चौबीसी दर्शन, तृष्टि पृष्टि, भोजनशाला, पेयजल सुविधाएं, हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है। सो चलिए ये चलते हैं अंदर। यहाँ से हम एंटर हुए थे, ये मैंने आपको दिखाया कि पार्किंग है, ड्राइवर विश्राम गृह है और स्नान घर है। ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है, और पूरी जहाज की शेप में बना हुआ है ये मंदिर। और देखिए कितना खूबसूरत गार्डन। सो गाइस यहाँ की एंट्री देखिए, ये है मंदिर जी की भव्य एंट्री, और बहुत ही शानदार, साफ सफाई और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी स्टॉल है जिसमें मंदिर से रिलेटेड सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। सो यहाँ पे पेटीएम वगैरह एक्सेप्टेड है, पेटीएम वगैरह लेते हो, पेटीएम वगैरह। जहाजपुर जो कि राजस्थान में बूंदी और शाहपुरा के पास एक प्राचीन शहर है, इस क्षेत्र में भगवान मुनि सुव्रतनाथ की प्रतिमा एवं अनेकों प्रतिमाओं का जमीन से निकलना इसी बात का संकेत है कि यहाँ जैन संस्कृति का खजाना हुआ करता था। दिनांक 23/4/2013 को महावीर जयंती के दिन प्रतिमा निकली।
भूगर्भ से प्राप्त भगवान मुनि सुव्रतनाथ की मनोहर मुद्रा देखकर लोग पलक झपकाना भूल जाते हैं और भूगर्भ से निकलने के पश्चात अनेक अतिशय हुए। उनमें से कुछ प्रमुख अतिशय चार रंग परिवर्तित नीला, हरा, स्लेटी और अब काला, नाभि में से ज्योति निकलना एवं नाभि संपदन। 26 जुलाई 2013 शनि अमावस को 1.5 घंटे तक अभिषेकदायी आँख से रोशनी का निकलना, जिसके साक्षात दर्शन हजारों और लाखों लोगों ने किए। जहाजपुर जैन मंदिर में 2 फ्लोर हैं जिनमें आप दर्शन कर सकते हैं। पहले फ्लोर में यहाँ पे काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं जो कि पन्नों से बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत है। दूसरे फ्लोर पे मेन दर्शन है जिसमें साक्षात मुनि सुव्रतनाथ की चमत्कारी प्रतिमाएं हैं और जिसके आप दर्शन करेंगे तो आप हर चीज़ भूल जाएंगे क्योंकि मूर्ति है ही इतनी चमत्कारी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मंदिर में 2 फ्लोर पे आप दर्शन कर सकते हैं, सो अब हम आपको मेन दर्शन कराने जा रहे हैं जिसमें भगवान मुनि सुव्रतनाथ की प्रतिमा को विराजमान किया गया है। यह मंदिर अपने दर्शनार्थियों के लिए खास केंद्र है क्योंकि यहाँ पे मंदिर का जो आकार दिया गया है वो जहाज के शेप में दिया गया है, जो कि अपने आप में बहुत अनोखी चीज़ है। दूसरा, यहाँ पे जो मुनि सुव्रतनाथ की जो प्रतिमा है वो मानो आपसे कुछ कह रही हो। आप थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़े होंगे तो आप सिर्फ प्रतिमा जी को ही निहारते रहेंगे। ये क्षेत्रपाल बाबा, अपराजिता माता की है। यहाँ से है मंदिर जी के बाहर का नज़ारा। यहाँ से मैं उधर कदम रखूँगा तो मुझे पता है कि मैं जल जाऊँगा। बहुत ही ज़बरदस्त गर्मी हो रही है और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सुविधाएं इस तरफ भी है और त्रिष्टि पृष्टि भोजनशाला हो रही। सो अभी हम वहाँ जाएंगे क्योंकि खाने का समय है 12 से 12:30 बजे तक है। अभी बज रही है 12, सो अभी भोजन कर लेते हैं फिर उसके बाद आगे के दर्शन कराएंगे। तो जब तक हम आपको भोजनशाला के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो हम चलेंगे नीचे। सो ये नीचे भी बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई गई है कि ऊपर क्या क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप नीचे से भी देख सकते हैं। नीचे से भी आप दर्शन कर सकते हैं जो आप अगर ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो। सो गाइस, ये कराए मैंने आपको अंदर के दर्शन और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम चल रहे हैं भोजनशाला। बहुत ही बहक कर पाँव सड़ गए, इतनी ज़बरदस्त गर्मी हो रही है, चप्पलें तक उबल गई है भाई। ये देखिए, ये है मानक स्तंभ, कितना खूबसूरत। और ये रहा हमारा जहाज पर, ये कितना खूबसूरत।
ये यहाँ पे संत निवास। लेकिन गाइस अगर आप आ रहे हो ना तो गर्मी में तो अवॉइड ही करना। अवॉइड ही कीजिएगा। सो गाइस अब हम आ चुके हैं तुष्टि पुष्टि भोजनशाला, क्योंकि यहाँ का टाइम है 12:30 बजे का, तो जल्दी से एक बार भोजन कर लेते हैं फिर उसके बाद अंदर अच्छे से दर्शन करेंगे। सो ये देखिए भोजनशाला का समय है ग्रीष्मकालीन प्रातः 10:30 से 1 बजे, शाम को 5 से 7, और शीतकालीन प्रातः 10:30 से 1, और शाम को 4:30 है 5:30 से 6 बजे तक। कंफ्यूजिंग। तो भाई यहाँ पे है 80 रुपये की थाली, और आपको ये टोकन देना पड़ेगा तब आपको एक थाली मिलेगी। सो खाने में क्या क्या मिलता है यहाँ पे वो अंदर का अवेलेबल ऑप्शन है। देखिए गाइस ये अंदर की भोजनशाला, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा, क्या क्या अवेलेबल ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे चावल, दाल, ये की सब्जी, और मीठा भी मिलेगा इसमें, और चपाती मिलेगी घी वाली, और साथ में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी। ये देखिए और वो बन रही करारी करारी रोटियां, आगे हमारी गर्मा गर्म चपातियाँ, ये नमकीन, ये मिठाई, ये पापड़, ये घी की सब्जी, और ये दाल। हेलो गाइस, खाना खा लिया है और भोजनशाला का खाना बहुत ही अच्छा लगा। सो अगर आप 80 रुपये दे रहे हो तो वर्थ है। सो अब हम जा रहे हैं धर्मशाला, और वहाँ थोड़ी देर स्टे करेंगे 1-2 घंटे के लिए, फिर उसके बाद शाम की आरती वगैरह करके फिर निकलेंगे। अब ये देखिए यहाँ से वो सीधा जाके है धर्मशाला, और यहाँ पे सारा पेयजल सुविधाएं वगैरह, और वहाँ पे आपको एसी धर्मशाला भी मिल जाएगी। धूप हो रही है तगड़ी, ये हालत देख सकते हैं, हालत देखिए घूंघट कर लिया हम सबने। ये है यहाँ की धर्मशाला, ये देखिए कितना बड़ा धर्मशाला का एरिया है, और चार्जेस हैं 400 रुपये नॉन एसी और 800 रुपये एसी का रूम है आपको। ये देखिए यहाँ से पहले हो रही थी धूप, मैं दिखा नहीं पाया था, लेकिन ये देखिए ये है यहाँ से नज़ारा, तो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये मंदिर, और ये देखिए ये है एंट्री। ओह बाप रे, जल रहा है पत्थर। ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। Thank you.
सिद्धार्थ रुकवाइए, वो पापा रुको। रोकना यहीं पर, यहीं पर मंगलम।